नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। चीन और ताइवान के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए उसकी सीमा के आसपास घेराबंदी शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि चीनी सेना ने ताइवान के आसपास सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन के विरोध के बावजूद मंगलवार को ताइवान की राजधानी ताइपेई पहुंची थी। 25 साल बाद पहली बार है जब अमेरिकी स्पीकर ताइवान के दौरे पर थी। इससे पहले 1997 में उस समय की स्पीकर न्यूट गिंगरिक यहां पहुंचे थे। पेलोसी के दौरे से बौखलाए चीन ने तमाम ऐलान कर डाले हैं। इसके अलावा चीन के फाइटर जेट ताइवान की सीमा के ऊपर उड़ान भरते नजर आए। पेलोसी के ताइवान से रवाना होते ही 27 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंचे। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ताइवान खुद को संप्रभु राष्ट्र मानता है और उसका अपना संविधान है। वहीं चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान और चीन के पुनः एकीकरण की जोरदार वकालत करते नजर आते हैं। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इसकी सांस्कृतिक पहचान चीन से काफी अलग और बेहद मजबूत है। वहीं चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस तरह से दोनों ही रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते रहे हैं। कागजी दस्तावेजों में दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। वहीं व्यवहारिक तौर पर ताइवान द्वीप 1950 से ही स्वतंत्र रहा, मगर चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता रहा है। ताइवान 10 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। 1911 में इस दिन नेशनल पार्टी द्वारा विद्रोह के बाद चिंग राजवंश को हरा दिया गया और राजशाही के 4000 सालों का अंत कर दिया गया। 29 दिसंबर 1911 को रिपब्लिक ऑफ चाइना को घोषित किया गया। दुनिया में केवल 15 ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इसमें से भी अधिकतर देश काफी छोटे हैं और कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ।